राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अभिषेक सुधीर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो भी मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, इनके पास हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं इसी लोकभवन से, और नेहा बाथम हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं एकाना स्टेडियम, जहां पर कल मुख्यमंत्री का भव्य समारोह होना है, वहां से नेहा के पास मैं जाऊंगी। लेकिन उसके पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए इंतजार किया जा रहा है एक घंटे से, हालांकि तमाम विधायक बैठ चुके हैं, उनको भी बहुत सारे के मन में इस तरह की बेसब्री है कि क्या उनमें से किसी का नंबर लग सकता है, नहीं लग सकता है, विधायकों की ओर से क्या जानकारी दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि 48 ऐसे चेहरे होंगे जिनको कल पद और गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री के साथ दिलाई जा सकती है। और क्या जानकारी देंगे, बैठक कितनी देर में शुरू होगी अभिषेक? बिल्कुल चित्रा, आप भी मौजूद हैं इसी लोकभवन में, और कुछ मिनटों में ही अमित शाह पहुंचने वाले हैं, और जैसा हम लोगों ने बताया कि अभी वो पहले माल्यार्पण करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर, और उसके बाद सीधे इसके सभागार में पहुंचेंगे, जहां पर तमाम जो विधायक चुनकर आए हैं, जो सहयोगी दलों के विधायक हैं, ये सब के सब मौजूद हैं। और महज औपचारिकता होगी कि एक नेता चुना जाएगा, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी चित्रा कि क्या नेता के साथ साथ दो डिप्टी सीएम चुने जाते हैं या नहीं, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। जिस तरीके के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज या सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिप्टी सीएम भी होंगे, और कहीं ना कहीं केशव मौर्य का नाम भी चल रहा है, ये भी तय है। लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर बहुत ज्यादा कयासबाजी है। क्या आज उसका ऐलान होता है, इस पर नजर होगी कि क्या आज सचमुच सीएम के साथ डिप्टी सीएम का भी कोई ऐलान होगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन सीएम चुनने के लिए जो नेता चुना जाना है, इसकी महज एक औपचारिकता शेष है, जब थोड़ी देर बाद पर्यवेक्षक के तौर पर जब अमित शाह और रघुवर दास मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में वो चुना जाएगा। लेकिन मंत्री कौन होगा, इसके कयास सुबह से लगने शुरू हैं, पहले से लगने शुरू हैं, लेकिन सुबह से मुझे लगता है कल सुबह इसकी कुछ ऑथेंटिक लिस्ट जरूर सामने आएगी। दो तीन चीजें इसमें साफ दिख रही हैं, कुछ नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बाहर किया जाएगा, नए चेहरे ज्यादातर होंगे, लगभग दो दर्जन नए चेहरे इसमें शामिल भी होंगे, ये भी तय है, महिलाओं का कोटा बढ़ेगा और युवा दिखाई देंगे। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें अभिषेक आपकी ओर से बताई गई हैं, और यकीनन पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार गए लेकिन उसके बावजूद उनको उत्तराखंड की कमान दे दी गई, इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको फिर से वही अहम जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नेहा बाथम एकाना स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप नेहा, यकीनन लखनऊ ये आपका भी शहर है, एकाना स्टेडियम में जिस तरह की तैयारी की गई है, बीजेपी पूरी ताकत दिखाना चाहती है ताकि कोई भी कमी उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में उसकी इस भव्यता में कोई भी कमी कहीं ना रह जाए। आप किस तरह की तस्वीरें आसपास देख रही हैं नेहा? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आसपास की तस्वीरें काफी भव्य हैं और उससे भी ज्यादा भव्य तस्वीरें कल दिखाई देंगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन सवाल इस बीच ये है चित्रा, क्योंकि आप खुद विधायक दल की बैठक का जो स्थल है उसके बाहर मौजूद थी, जो बैठक शुरू होने में एक घंटे से ज्यादा का डिले हो गया है, कल क्या वाकई शपथ ग्रहण समारोह 2 बजे शुरू हो पाएगा? ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर VIP मूवमेंट रहने वाला है, पूरे लाल लश्कर के साथ तमाम जो अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं, उसके अलावा जितने विधायक गए हैं वो पहुंचेंगे, उनके समर्थक पहुंचेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप समझ सकती हैं कि कल यहां पर क्या व्यापक तरीके से इंतजाम रहने वाले हैं, और दूर तक जहां पर भी आप नजर दौड़ाइए पीछे सिर्फ खाकी वर्दी के लोग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहां पूरा प्रशासन बल इसी एकाना स्टेडियम पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर कल का जो ये भव्य कार्यक्रम है इसको लेकर प्रशासन काफी सतर्क है, मुस्तैद है, और तमाम तरीके से यहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कल के इस भव्य कार्यक्रम को कैसे स्मूथली रन किया जाए, एक ऐसा शो हो जिसे पूरा का पूरा देश देख सके, वो राज्य भी देख सके जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं भी है। और इसी वजह से चित्रा, आपको भी मालूम होगा कि उन सहयोगी दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया, जिसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे अहम तौर पर सामने आ रहा है, इसके अलावा उन विपक्षी दलों के नेताओं को भी यहां पर बुलाया गया है जिसमें मायावती का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी माना जा रहा है कि उनको भी न्योता दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कौन आता है कौन नहीं, क्योंकि जिस तरीके से
प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक धमक के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि सीटें जरूर कम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल का जो ये ग्रैंड इवेंट है इसे एक सूचक के तौर पर देखिए चित्रा, ये वो सूचक है जो इशारा कर रहा है 2024 की ओर, और ये बता रहा है कि अभी तो सिर्फ ये एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है।